गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कल हमने बात की कैपेसिटर के बारे में, और मैंने कल आपको बताया कि कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, आई मीन टू से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है, उसका फार्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सी का वैल्यू डिपेंड करेगा एक तो मीडियम के नेचर पे, मतलब दो प्लेट्स के बीच में किस टाइप का मीडियम है। मान लो कोई आपका वैक्यूम है या कोई मटेरियल है, और मटेरियल तो कौन सा है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, सी का वैल्यू डिपेंड करेगा। दूसरा सी का वैल्यू डिपेंड करेगा कि आपके जो प्लेट्स हैं उनकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन को डिपेंड करेगा एरिया क्या है, बोले तो ओवरलैपिंग एरिया। तो ये कल हमने स्टडी कर लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी स्टोरेज इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, इसका आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा एनर्जी को स्टोर करता है, और जो एनर्जी होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल फील्ड के रूप में स्टोर होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक प्लेट ही वाला है, दूसरा प्लेट ही वाला है, ठीक है। ये कैपेसिटर के दो प्लेट्स है, यहाँ पर आपका चार्ज कितना आएगा, प्लस क्यों आएगा, और यहाँ पर चार्ज कितना आएगा, माइनस क्यों आएगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो दीज आर द इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस इन द फॉर्म ऑफ व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एंड द वैल्यू ऑफ दिस इलेक्ट्रिकल फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पहले ही स्टडी कर चुके हैं कहाँ पर, रोस्टरम में, कि कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, मतलब पूरे कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है वह जगह क्या होगा, सेम होगा, यूनिफॉर्म होगा। जितना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, उतना फील्ड यहाँ उतना फील्ड यहाँ, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है। अगर आपसे ये कहूँ कि जैसे मान लीजिए कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में एक प्रोटॉन रखा है और एक आपका इलेक्ट्रॉन रखा है, तो दोनों में फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो बस ये बात है फोर्स कितना होता है, चार्ज टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, सेम है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या यूनिफॉर्म है, तो फोर्स का रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा, अगर कैपेसिटर के दो प्लेट्स के बीच में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो उनमें फोर्स क्या होता है, सेम होता है, दोनों पे फोर्स का रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। अच्छा, हम तो क्या निकालते हैं, एनर्जी स्टोर निकाल लेते हैं। ये देखिए, जैसे आप जानते हैं कैपेसिटर दो प्लेट्स होती हैं, इजंट, एक पे चार्ज प्लस होगा, एक पे चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा। मान लीजिए पहले इनिशियल सेपरेशन बहुत कम है, दीज टू प्लेट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, दोनों प्लेट एक दूसरे के बहुत करीब है। मान लीजिए सेपरेशन ऑलमोस्ट नील है, तो यहाँ चार्ज कैसा होगा, प्लस होगा, यहाँ चार्ज कैसा होगा, माइनस होगा, तो मेरा अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अगर मैं इनको दूर लेके जाना चाहूँ तो अवश्य बात है मुझे इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, वही काम क्या होगा, इसमें स्टोर होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, तो वही हमें निकालना है बेसिकली। जैसे मान लीजिए ये कैपेसिटर के दो प्लेट हैं, यहाँ चार्ज प्लस क्यू है और यहाँ चार्ज माइनस क्यू है। मान लीजिए इनिशियली दीज आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, इनिशियली क्या है, एक दूसरे के बहुत करीब है, मतलब सेपरेशन ऑलमोस्ट के नील है। इसको ने प्लेट वन नाम दिया, इसको ने प्लेट नाम दिया टू। तो टू जो प्लेट है वो वन की इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, वन जो प्लेट है वो टू की इलेक्ट्रिकल फील्ड में है, मतलब दोनों जो प्लेट है वो एक दूसरे की इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखी हुई है। तो इनमें अट्रैक्टिव फोर्स कितना होगा, इनमें अट्रैक्टिव फोर्स हम टू पे निकालते हैं, तो टू का चार्ज, टू पे चार्ज कितना आएगा, क्यों आएगा, और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो टू वन, वन की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना आएगा, ई आएगा। तो फोर्स का जो वैल्यू होता है वो कितना होगा, क्यों, इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया आपका, आ गया सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन। ये पहले स्टडी कर चुके थे हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में, कि एक सिंगल इनफाइनाइट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन होता है। तो फोर्स का वैल्यू कितना हो गया, हम सब जानते हैं सिग्मा कितना होता है, क्यू बाई ए, तो क्यू इंटू क्यू कितना हो गया, क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे कितना आएगा, टू आएगा, यहाँ साथ में आपका एप्सिलॉन आएगा, ए आएगा। तो दोनों प्लेट्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कितना होगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में टू एप्सिलॉन ए, ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ये अट्रैक्टिव फोर्स दोनों प्लेट्स के बीच में लगेगा। अब मान हम प्लेट को दूर लेके जाना चाहते हैं, हम प्लेट के बीच में स्मॉल डी सेपरेशन मेंटेन करना चाहते हैं, तो हमें इस अट्रैक्टिव फोर्स का अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। तो वो काम कितना होगा, वो काम आपका आएगा एफ इंटू में डी, है ना। वर्क जो आपका आएगा वो कितना आएगा, फोर्स इंटू में कितना आएगा, डी। डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो ये कितना होगा, क्यू स्क्वायर हो गया, नीचे कितना होगा, टू इंटू में क्या हो गया, एप्सिलॉन इंटू में ए हो गया, और यहाँ कितना होगा आपका, डी हो गया, वो डी कहाँ गया, नीचे चला गया। और आप सब जानते हैं एप्सिलॉन ए अपॉन डी, एप्सिलॉन ए अपॉन डी का क्या होता है, एप्सिलॉन ए अपॉन डी होता है सी, सी बोले तो
कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कितना होगा क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी होता है। और हम जानते हैं क्यू कितना होता है, सी भी होता है। तो अगर मैं क्यू का वैल्यू सी भी पुट करूँगा, यहाँ करता हूँ, अगर मैंने क्यू का वैल्यू सी भी पुट किया तो कितना आएगा, सी वी स्क्वायर बाय में कितना हो गया, टू सी हो गया। तो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला कितना हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर हो गया, है ना। ये हो गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर। दिस हाफ सी वी स्क्वायर कैन बी रिटन दिस वे, वन बाई टू इंटू सी इंटू वी इंटू वी। और हम जानते हैं सी इंटू वी बेसिकली क्या होता है, सी इंटू वी होता है क्यू। तो एनर्जी स्टोर कितना हो गया, हाफ क्यू वी। तो कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, हाफ क्यू वी होता है, हाफ सी वी स्क्वायर होता है, और कितना होता है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। दीज आर द फॉर्मूलास फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इजंट। मतलब दोनों में इनिशियल सेपरेशन कितना है, ऑलमोस्ट जीरो है। अट्रैक्टिव फोर्स होगा, दूर लेकर जाएंगे तो काम करना पड़ेगा, वो काम हमें निकाल लिया, वही काम एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, विच इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय टू सी, हाफ सी वी स्क्वायर या हाफ क्यू, है ना। इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है वो कैपेसिटर में स्टोर होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन, सो यू कैन से इलेक्ट्रिकल फील्ड। ओके, तो दैट वाज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, दो और भी तरीके हैं जिससे हम एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, बट हमें उनकी आवश्यकता नहीं है। कृपया ध्यान रखिएगा, जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका हाफ सी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, या हाफ क्यू वी। दीज आर द फॉर्मूलास फॉर द एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम कैपेसिटर के ऊपर इंडेप्थ चलते हैं। जैसा आप मुख्य डायग्राम देखेंगे तो यहाँ कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं, ये आपका बैटरी हो गया, बैटरी का पोटेंशियल वी हो गया, यहाँ कितना होगा, जीरो हो गया, कैपेसिटेंस कितना होगा, सी हो गया। तो बुक एंड बेसिकली ये डायग्राम होता है, इट्स बुकिश डायग्राम, है ना। बुक एंड आपको इस टाइप का डायग्राम नहीं बना होता है, कोई रजिस्टर वगैरह शो नहीं होता, बट एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। मैं आपको थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ कि कैसा होता है। देखिए, जो डायग्राम होता है वो कुछ हिसाब का होता है। यहाँ आपका क्या आएगा, रजिस्टर आएगा, यहाँ आपका रजिस्टर हो गया, यहाँ आपका कैपेसिटर आएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी आएगा। और यहाँ ये बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, वी आएगा। तो यहाँ पोटेंशियल वी हो गया, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, जीरो हो गया। मान लीजिए मैंने यहाँ की लगाया, इजंट। अभी मान लीजिए टाइम का वैल्यू कितना है, जीरो है। अगर टाइम का वैल्यू जीरो होगा, टी से वैल्यू कितना होगा, जीरो हो गया। मैंने स्विच को क्या किया, क्लोज किया, तो अभी टाइम का वैल्यू कितना, जीरो है। मैंने स्विच को क्लोज किया तो अभी कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, तो कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। यहाँ का पोटेंशियल कितना है, वी है, तो यहाँ भी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना, जीरो, तो यहाँ भी कितना होगा, जीरो, तो यहाँ भी कितना होगा, जीरो, क्योंकि कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं है। तो ये जो रजिस्टर है इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा, रजिस्टर में करंट का वैल्यू आएगा वी माइनस में जीरो, वी माइनस जीरो, वी माइनस जीरो क्या है, पोटेंशियल डिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर अपॉन में आर। आर बेसिकली क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर। तो करंट का वैल्यू कितना आएगा, वी बाई आर आएगा। इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, मैक्स होता है। तो जब आपका टाइम जीरो होगा तो अभी कैपेसिटर पर कोई चार्ज होगा नहीं, हमने स्विच को जस्ट ऑन किया है, और जो करंट का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, वी बाई आर आएगा। अब मान लीजिए टाइम होगा टी, तो टाइम टी कितना होगा, अगर मैं टाइम टी की बात करूँ तो टाइम टी पे बेसिकली क्या होगा, ये हमने लगा दिया ये कैपेसिटर, ये हमने लगा दिया बैटरी, तो ये आपका बैटरी हो गया। इसका पोटेंशियल कितना होगा, वी होगा। इसका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो हो गया। ओके, तो अब टाइम कितना है, टी है, तो टाइम टी है तो मान लेते हैं कैपेसिटर पे चार्ज आएगा क्यू। अब जानते हैं कैपेसिटर धीरे धीरे क्या होगा, चार्ज होगा। तो मान लीजिए जब टाइम टी है तो कैपेसिटर पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा, क्यू हो गया। तो कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, क्यू बाई सी आएगा, है ना। हम सब जानते हैं जो बी होता है वो कितना होता है, क्यू बाई सी होता है। तो यहाँ पोटेंशियल कितना, जीरो, तो यहाँ भी कितना, जीरो, तो यहाँ भी कितना, जीरो। इस प्लेट का पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो आएगा, और इस प्लेट का पोटेंशियल कितना आएगा, क्यू बाई सी। तो इस प्लेट का पोटेंशियल अगर तुम्हारा क्यू बाई सी है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, क्यू बाई सी होगा। यहाँ पोटेंशियल कितना, वी, तो यहाँ पोटेंशियल कितना आएगा आपका, वी आएगा। तो इसमें जो करंट का जो आएगा, करंट आपका आएगा वी माइनस में क्यू बाई सी। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आपका रेजिस्टेंस आएगा। तो ये करंट का वैल्यू आएगा, तो ये सर्किट में करंट का वैल्यू होगा एट टाइम टी। तो टाइम टी पे जो करंट का वैल्यू होता है वो कितना होता है, वी माइनस में क्यू बाई सी अपॉन आर होता है। यहाँ टाइम आपका जीरो है और यहाँ पर टाइम आपका कितना होगा, टी होगा। अब क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, कैपेसिटर पर क्या होगा, चार्ज बिल्डअप होगा। कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, और सर्किट में करंट क्या होगा, कम होगा। मतलब जैसे जैसे टाइम होगा बीतता है, मतलब टाइम जो है
जो टी से क्या आगे बढ़ेगा मतलब इनफाइनाइट को टर्न करेगा, तो इस पे जो कैपेसिटर पे चार्ज क्या होगा बिल्डअप होगा, तो चार्ज का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, और जो करंट का वैल्यू है वो सर्किट में क्या होगा कम होगा। तो सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होता है कम होता है और चार्ज का वैल्यू क्या होता है बढ़ता है। और जब आपका टाइम टी इनफाइनाइट है, सपोज करो जब टाइम आप टी आपका इनफाइनाइट हो जाएगा तो उस समय कैपेसिटर क्या होगा फुल्ली चार्ज हो जाएगा, राइट, मतलब फुल्ली चार्ज कैपेसिटर आपका हो जाएगा और सर्किट में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे कैपेसिटर में क्या होगा चार्ज बिल्डअप होगा, क्यू का वैल्यू क्या होगा बढ़ेगा, मतलब कैपेसिटर में चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा और सर्किट में करंट का वैल्यू क्या होगा कम होगा। और एक स्टेट आएगा उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट, क्या बोलते हैं स्टडी स्टेट है। तो स्टडी स्टेट की कंडीशन में क्या होगा, स्टडी स्टेट की कंडीशन में कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा। जब आपका स्टडी स्टेट होगा तो स्टडी स्टेट की कंडीशन में आपका जो कैपेसिटर है उस पर मैक्सिमम चार्ज बिल्डअप हो जाएगा जो हो सकता था, और सर्किट में करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसमें बोलते हैं स्टडी स्टेट। तो ध्यान रखिएगा स्टडी स्टेट में क्या होगा, इस जो रजिस्टर है इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा। तो करंट का वैल्यू होगा जीरो होगा तो सीधी बात है आप रजिस्टर में करंट का वैल्यू जीरो है तो ये हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। तो जब स्टडी स्टेट की बात करेंगे तो हम इसको हटा देते हैं बिकॉज इसमें करंट का वैल्यू कितना जीरो है तो रजिस्टर का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो मैं रजिस्टर को ऐसे रिमूव कर दिया। इस टाइप का डायग्राम आपको बुक के अंदर गिवन होता है, बट ध्यान रखिएगा ये जो डायग्राम बताएगा बनता है स्टडी स्टेट की बात बनता है। जब बेसिकली स्टडी स्टेट आ जाएगा उसके बाद क्या होगा सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा जीरो होगा और हमें इस टाइप का डायग्राम मिलेगा। ओके तो फिर देखो रिवाइज कर रहा हूँ, यहाँ टाइम कितना है ज़ीरो है तो टाइम आपका ज़ीरो होगा। तो सीधी बात है अभी हमने जस्ट की को क्लोज किया है, कैपेसिटर में कोई चार्ज नहीं है, पोटेंशियल कितना जीरो जीरो जीरो, यहाँ कितना भी तो यहाँ पे कितना भी तो करंट का वैल्यू कितना हो गया पोटेंशियल कितना बी माइनस जीरो बाई यहाँ तो करंट का वैल्यू मैक्स होगा। अभी चार्ज कितना होगा जीरो होगा। टाइम टी पे क्या होगा कैपेसिटर पर चार्ज बिल्डअप हो गया, कितना चार्ज हो गया क्यों चार्ज हो गया, सर्किट में करंट का वैल्यू कितना होगा बी माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर हो गया। फिर क्या होगा जैसे जैसे टाइम बीतेगा वैसे वैसे क्या होगा कैपेसिटर पर चार्ज क्या होगा बढ़ेगा और करंट का वैल्यू क्या होगा कम होगा। और एक सर्टेन स्टडी स्टेट पे सर्किट में करंट का वैल्यू बेसिकली कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। और अगर सर्किट में करंट का वैल्यू जीरो होगा तो इस रजिस्टर का कोई महत्व नहीं होगा, हम इसको लगाए ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने इसको हटा दिया और इस टाइप का आउटपुट डायग्राम बुक के अंदर देखने को मिलता है। तो बुक में हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं आफ्टर स्टडी स्टेट। ओके थैंक यू।